Welcome to Govardhan Institute, guys. So here we are for the solution of question number 13. So what is question number 13? The question number 13 is, you need to get the number from the user. But guys, ये question में बहुत छोटे-छोटे यहाँ पे concepts हैं. पहली चीज़ तो यहाँ पे unsigned integer करके कुछ लिखा हुआ है. यहाँ पे हमने person u use किया हुआ है. Then एक loop है. Okay, और loop के लिए curly brackets नहीं है. Second thing is डेटा प्रिंट करने के टाइम बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट बिटवाइज एंड एंड द लास्ट थिंग इज क्वेश्चन मार्क कॉलन दैट मींस कंडीशनल ऑपरेटर यूज हुआ. तो बहुत सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट्स यहां पे इंक्लूडेड है. बट ऑब्वियस आपको यहां पे आंसर दिख रहा है प्रिंट्स बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ नंबर. बट हाउ दिस कम्स. ओके सो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. सो लेट मी स्टार्ट विद द अनसाइंड इंटीजर. व्हाट इज अनसाइंड इंटीजर. सो गाइस कभी भी आप कोई भी नंबर की बात करें, लाइक आई से मुझे डेटा स्टोर करना है एंड न्यूमेरिकल डेटा मुझे स्टोर करना है, तो मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट नंबर. ओके इंटीजर नंबर, तो मुझे इसमें डेटा स्टोर करना था. लाइक आई से लाइक मुझे डेटा स्टोर करना है 25. सो मैंने लिख दिया नम इक्वल्स टू 25. आफ्टर दैट आई रियलाइज नंबर मस्ट बी अ जीरो. आफ्टर दैट मुझे इन फ्यूचर जरूरत पड़ गई कि नंबर में -43 स्टोर करना. ऑब्जर्व वन थिंग, यहाँ पे नंबर इंटीजर टाइप का वेरिएबल, नंबर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. दैट मींस यू कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट पॉइंट. आप उस वेरिएबल में विदाउट पॉइंट वाली न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते. बट मेरा क्वेश्चन था सर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू जीरो, ये तीनों अलाव है या सिर्फ पॉजिटिव अलाव है या सिर्फ जीरो अलाव है या नेगेटिव भी अलाव है. दैट इज द क्वेश्चन. सो गाइज इंटीजर, अगर आपने कोई भी वेरिएबल को एज ए इंटीजर डिक्लेयर किया, सो इट इज यूज टू स्टोर, अदरवाइज यू कैन से दैट इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट विदाउट पॉइंट. इन शॉर्ट यू नीड टू सी डेसिमल वैल्यू. बट कौन से टाइप की वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो. You can store all these type of values. आप इसमें तीनों टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हो. नाउ अब आप इसको प्रिंट करना चाहते हो या इसको स्कैन करना चाहते हो. मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स की बात हो रही है. तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल कौन है हमारे पास, नंबर NUM. तो इसको आप जब भी प्रिंट करो या स्कैन करो तो एक स्पेसिफायर यूज होता है, दैट इज परसेंटेज डी. और गाइज आप परसेंटेज आई लिख सकते हो. Percentage D stands for decimal, percentage I stands for integer. Okay, मतलब आप अपने number को print करना चाहते हो, आप लिखो percentage D, comma number और percentage I, comma number, not an issue. दोनों चीज चल जाएगी. Even अगर आप scan करना चाहते हो, आप लिख सकते हो percentage D, even percentage I, there is no issue. आप try कर सकते हो. आप एक सिंपल सा वर्क ऐसा कर लीजिए, आप लिखिए इंटीजर नंबर इक्वल टू 10 एंड ट्राई टू प्रिंट दिस वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ नंबर विथ परसेंटेज डी विथ परसेंटेज आर. आपको आउटपुट सेम मिलेगा. उसके बाद आप ऐसा कुछ कर सकते हैं. सेकेंड एग्जांपल आप ऐसा कुछ ले सकते हैं कि आप इंट नंबर डिक्लेयर करें, उसको स्कैन करें, देन प्रिंट करें. ओके उसको स्कैन करिए परसेंटेज डी के साथ, देन आप उसको स्कैन करें लाइक ऑप्शनल इन द कमेंट करके वन बाय वन चेक करेगा. रीजन, दो बार स्कैन करने का मतलब दो नंबर लेगा, अपने को एक ही नंबर लेके चेक करना था. तो पहले पर्सन डी के साथ काम करिए और उसको प्रिंट करें, देन पर्सन डी वाली लाइन को कमेंट कर दीजिए, परसेंटेज आई के साथ डेटा को स्कैन करके प्रिंट करिए, आपको सेम आउटपुट मिलेगा. दैट आई मीन टू से मुझे यहाँ पे क्या आपको समझाना है कि इंटीजर के लिए परसेंटेज डी भी यूज कर सकते हैं. Even you can use percentage. What is the capacity of integer? You can store positive numbers, you can store negative numbers, you can store, guys, a zero number. Okay, you guys can store zeros. So positive, negative, zeros, all the type of numbers it supports. But now the question is, sir, what if I declare the number with unsigned keyword? So now I declared the number, or I declared number in the sense I mean to say a variable. So I declared a variable with unsigned keyword. So unsigned integer num. Unsigned integer num. So ab kya hoga? So unsigned. One minute.
let me write down. Unsigned integer num, it is also used to represent numeric value without point, but it cannot store negative values. So what if I store a negative value? Let me say when a 10 stored here. So now ab aapko iski range pata honi chahiye. So the range of unsigned integer, if the size of let me consider size of unsigned integer a is 2 bytes. Okay, so the range will be 0 to 65,535. This is the range, 0 to 65,535. Ye maine kaise calculate kiya? 2 bytes matlab 16 bits. So let me open the KLC. Okay, so let I open standard calculator 2 raised to, not in standard, it's not available scientific. So 2 raised to 16. Sorry, 2 raised to 16. Not 2 raised to 16. Sorry, 2 raised to 16. Yeah. So 65536. Why 16? Because integer ka size maine 2 bytes consider kiya tha. So 2 bytes ka matlab 16 bits. मैं बाइनरी में डेटा स्टोर करूंगा तो मैंने 2 raised to अप्लाई किया. बाइनरी मींस द डेज ऑफ बाइनरी इज 2. सो 2 raised to 16. 16 इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ बिट्स ओवर हियर. सो 2 raised to 16, दैट मींस 65536. बट आई स्टार्ट्स विद 0, सो द रेंज इज अप टू 65535. ओके, 65535. सो व्हाट इज द मीन वैल्यू? So the range starts with 0. So like when I write down something, what I need to write down, jaise agar maine 0 likha, to uska matlab ye agar mera input hai ya ye mera value hai. Okay, ye mera value hai. So actual data computer mein kya store hoga? So stored in computer. So here I have a variable num. So number, numeric value mein kya data store hoga? आप क्या बोलोगे? सर जीरो लिखा तो जीरो ही होना चाहिए. बट गाइस बी केयरफुल, यहां मैंने अनसाइंड इंटीजर लिया, यहां मैंने अनसाइंड इंटीजर लिया, बी केयरफुल. ओके, सो अनसाइंड इंटीजर के लिए जीरो, ओके, इट सपोर्ट्स जीरो, इट सपोर्ट्स जीरो एंड पॉजिटिव वन. तो जीरो लिखोगे वो जीरो स्टोर करेगा. अगर आपने वन लिखा वो वन स्टोर करेगा. ओके, अगर आपने 15 लिखा वो 15 स्टोर करेगा. बट अगर आपने -1 लिखा, अगर आपने -1 डेटा स्टोर किया, सो वो अब उसकी रेंज में नहीं है, तो वो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा. मतलब मैक्स वैल्यू क्या था? 655535. ओके, अगर आपने -2 लिख दिया तो एक वैल्यू कम, -3 लिखने पे एक और वैल्यू कम. ओके, इन शॉर्ट आई मीन टू से अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की बात कर रहे हो, ओके, आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की बात कर रहे हो, लेट आई ड्रॉ दिस. So consider this is a range. Okay, the starting value is 0. This one, sorry. And here the max value is 65535. Okay, so आप इस range के अंदर data store करोगे, अगर computer is happy, okay, number के अंदर value as it is store होगी. But अगर आपने value -1 रखी, okay, आपने -1 input किया, आपने -2 input किया, आपने -3 store करने की try की, so that is not in a range. तो भी इसकी रेंज में नहीं आ रहा. तो क्या होगा? अब जितना नेगेटिव डेटा दोगे, जैसे आपने -1 दिया, ये भाई साहब ऐसे घूम जाएंगे. ओके, तो -1 का मतलब 65,335. सो -1 विल बी ओवर लाइक दिस. ये -1 यहां पहुंच जाएगा. -2 एक और पॉइंट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा. -3 और एक पॉइंट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा. सो इन शॉर्ट द इक्विवेलेंट ऑफ -2 is 65534. Okay, equivalent of -3 will be 65533. Sorry. Yeah. So I hope guys this is clear to everyone. Agar aapne unsigned integer use kiya, okay, aage aur bhi values dijiye, wo negative ke aur bhi values dijiye, wo left direction mein move karta jayega. Okay, left direction mein move karta jayega. To is tarike se data aapke computer mein store hone wala hai. So agar aapne unsigned integer liya, guys be careful, it can store only positive and zeros. It can store only positive and zeros. Now how to display the data? So to display the unsigned integer, we need to use %u. Okay, we need to use %u.
because the first character of the unsigned integer is percentage u. So now if you want to print the data, if you want to scan the data, you guys need to use percentage u. Fine, you guys need to use percentage u because I want to actually inform my computer this is unsigned. So for unsigned, percentage u is there. I hope that is clear. So guys, you can try this. अब ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो अनसाइंड इंटीजर नम इक्वल टू 10 गाइस यू कैन प्रिंट दिस वन ओके अगर आप इसको स्कैन करके प्रिंट करना चाहते हो सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करें स्कैन करें प्रिंट करें यू विल गेट आउट सो इन शॉर्ट स्पेसिफायर इज परसेंटेज यू दैट्स इट ओके आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन सो फर्स्ट लाइन आई नीड आई होप गाइस इज क्लियर अगर क्लियर नहीं हुआ Do one thing, video once again check, like once again आप इस चीज को repeat करें. I think so कि अब clear हो जाएगा. दो बार, तीन बार देखने पे clear हो जाएगा. So normal integer can store positive numbers, negative numbers, zeros. Unsigned integer, okay, normal integer I mean to say it is signed integer. अगर आपको कहीं पे भी ऐसा देखने को मिलता है, like integer num or like signed in num, sorry. दोनों का मीनिंग सेम होता है ओके दोनों का मीनिंग सेम होता है सो डू नॉट वरी अबाउट दैट ओके साइंड इंटीजर नम एंड इंटीजर नम दोनों की कैपेसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो स्टोर करने दोनों की कैपेसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो स्टोर करने सो डू नॉट वरी साइंड इंटीजर इज इक्विवेलेंट टू इंटीजर बट अनसाइंड इंटीजर मींस यू नीड टू बी केयरफुल इट कैन नॉट स्टोर द नेगेटिव सो अगर आपने नेगेटिव नंबर्स लिखे मतलब अगर आपने ऐसा कुछ लिखा unsigned num equal to minus one and guys अगर आप इनको प्रिंट करने की ट्राई कर रहे हो ओके percentage u is for the unsigned what is the expected output 653 sorry 65535 it's the expected output so be careful आपने minus one लिखा था उसकी कैपेसिटी नहीं थी उसने आपको पूरा राउंड घुमा दिया ओके उसने राउंड चेंज कर दिया पूरा so be careful ओके so that's that So now that is the first line, unsigned integer num. And after that, I want to scan that number. So highlight this. So that's that. Now, what is the next step? Next step is like there is a loop from 0 to 16, but we have to less than use square. That means loop will start with 0 up to 15 it will work. So 0 to 15, 0 say 15, that means 16 times. And curly brackets use nahi kiye. Aap existing video, agar aap puri series ko pehle se follow karte aa rahe ho, That means आपको पता होगा कि अगर curly brackets नहीं करते तो एक स्टेटमेंट फोर लूप के बाद एक स्टेटमेंट फोर लूप का पार्ट है फोर लूप के बाद एक स्टेटमेंट फोर लूप का पार्ट है ना ओके सो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया कि ये लूप 16 टाइम एग्जीक्यूट होगा वैल्यू स्टार्ट होगा जीरो से लास्ट वैल्यू विल बी 15 एंड printf में हमने परसेंट d लिखा है ओके ये सब printf वाला पोर्शन समझ लो Okay, so here we have printf percentage d, then num, okay, then I, okay, there is a round bracket, I just missed that. Now end, now I, and 15, let I just open it in parallel. So it will be more clear to everyone. So percentage d, num, then bitwise if left I, and okay, there is a 1, bitwise if left 15. Then question mark, one colon zero. Fine. Fine. So that is the question. And this line is inside for loop. So for loop starts with 0 to 16, but there is a less than only. So you have to consider up to 50. So that is the thing. Now you know printf is just used to print the data. That's that. What about %d? %d means it's a decimal value. So negative, positive, or zeros. Kuch bhi value print ho sakte. Negative value it can print. So positive values or zeros. But numerical value without point. Now what about this? What about this operator? Ye kaise kaam karte hai? So guys, this is bitwise shift left. अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देख चुके क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपने देखा हुआ है तो उसमें हमने बिटवाइज शिफ्ट राइट डिस्कस किया था सो नाउ दिस इज बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट नाउ हाउ बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट वर्क सो फर्स्टली इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू बाइनरी सेकंड इट शिफ्ट्स द डेटा
otherwise sieves the layer, I'm sorry, ones from binary data into left direction for given number of times. Okay, this one we discussed. Bitwise if right discuss kiya tha 11th question ke answer mein, to wo right direction mein aapke one ko shift karta tha. Yahan pe ye bitwise shift left hai, so left direction mein one ko shift karega. That is the difference, nothing else. So now, and here we have end. So bitwise shift left we discuss, wo do bar yahan pe use hua hai. Now the second thing is ampersand, that is actually end. Now how end works, so that is bitwise end, wo kaise kaam karta. So it is a binary operator, to usko do input chahiye. Let me say like input 1, input 2. Guys, ab binary data ki baat kare, so aapka input 01 ke format mein hone wala hai. Okay, aapka input 01 ke format mein hoga. So ho sakta hai ki dono input 0 ho, ek input 0, first input 0, second input 1 ho. Third chance is ki third combination 10, fourth one is. So इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इन्होंने ऐसा बोला वन ने, सॉरी बिटवाइज एन ने ऐसा बोला, बिटवाइज एन ने दोनों इनपुट अगर वन है मैं आपको आउटपुट वन दे दूंगा, अदरवाइज आउटपुट इज जीरो. सो देखिए ना, दोनों इनपुट वन होने पे आउटपुट वन, बाकी सभी कंडीशंस में, बाकी सभी सिचुएशंस में आपको आउटपुट जीरो मिल रहा है. सो दैट इज द वर्किंग ऑफ बिटवाइज एंड. We will not discuss right now what is otherwise how the conditional operator works. Okay, so firstly let me discuss this. Okay, so अब इनका आउटपुट क्या आ रहा है ये डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वन बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट 15 डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट, आई होप दैट इज क्लियर. बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट विल शिफ्ट द डेटा इन लेफ्ट डायरेक्शन फॉर गिवन नंबर ऑफ टाइम्स. सो पहले तो आपको वन का बाइनरी निकालना है. ओके, एंड हियर लेट मी कंसिडर वन थिंग, साइज ऑफ इंटीजर इन this example, for this example is 2 bytes, means 16 bits. Okay, so the binary of 1, because main kyun binary nikal raha hu yahan pe, main binary kyun nikal raha hu yahan pe, binary hum log kyun nikal rahe, because bitwise shift left to pehle apne data ko binary mein convert karega. Okay, pehle apne data ko binary mein convert karega. So binary of 1 is 1. मैंने यहाँ पे 16 लाइक 15 जीरोस इन 1 क्यों लिखा, बिकॉज़ 1 इज इंटीजर इन माय सिस्टम, इन द साइज ऑफ इंटीजर इज 2 बाइट्स, मींस 16 बिट्स. ओके, तो ऐसे कुछ डेटा स्टोर होगा. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इज शिफ्ट द डेटा इन लेफ्ट डायरेक्शन. शिफ्ट द डेटा इन लेफ्ट डायरेक्शन, ओके, बिकॉज़ दैट इज द टास्क ऑफ बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट. सो कितने टाइम शिफ्ट करना है, 15 टाइम्स. तो आप 15 टाइम्स इन 1 को शिफ्ट करेंगे, सो आउटपुट ऑफ दिस वन इज एक्चुअली, it will look like this. Okay, so one will be on this position. That's that. One will be on this position. Now that's that, guys. That is the thing. Fine. Now let me clear the next thing. Okay, so num and like bitwise shift left and I, and as per our example, we need to get the value of num. So here I considered कि मैंने scanf मतलब जो input था उसमें मैंने number की value 10 रखी है. ओके, नंबर का वैल्यू मैंने 10 रखा है, 10. सो लेट मी कंसीडर वन मोर थिंग, द वैल्यू ऑफ नम इज इक्वल्स टू 10. ओके, सो ओके फाइन, लेट मी कॉपी दिस. सो नाउ अगर मैं ऐसा कुछ लिखू नम सेफ लेफ्ट आर, एंड सो व्हाट दिस वन विल डू, सो विल फर्स्टली कन्वर्ट value of num in binary. So binary of num, हमने number का value क्या consider किया, 10. The binary of 10 is 1010. अगर आपको नहीं पता, आप calculator start कर सकते हो यहाँ से, left position मतलब जो एक icon है navigational icon, वहाँ से programmer mode open करें, 10 type करें, आपको binary मिल जाएगा, that is 1010. So this is the binary. Now, हमको आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए सिर्फ लेफ्ट समझना है. ओके, तो सबसे पहले मैं आई का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ. सो आई की वैल्यूज मुझे मिलने वाली है 0 से, सारे इट विल स्टार्ट विद 0, बिकॉज हमने लूप लिखा था ना, सो इट स्टार्ट्स विद 0 टू
15. Why 15? Because आप लूप देख सकते हो अपने क्वेश्चन में, 0 से 16 तक है, 0 to 15 तक है। ओके, तो आई की अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे सिर्फ लेफ्ट का एक ऑपरेशन चाहिए, सो दैट इज आई। सो मुझे फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स मुझे 0 टाइम्स शिफ्टिंग करना है, दैट मीन्स मुझे शिफ्ट नहीं करना है, सो माई डेटा विल बी एज इट इज। ओके, माई डेटा विल बी एज इट इज। अब मैं सिर्फ लेफ्ट करूंगा तो क्या होगा, सिंगल टाइम जब आई का वैल्यू 1 होगा, सो इस एग्जाम्पल में अब आई का वैल्यू 1 रखिए तो सिर्फ लेफ्ट 1 करना है, तो सिर्फ लेफ्ट 1 मीन्स वॉट, डेटा कुछ इस तरीके से सेट होगा, दोनों 1 लेफ्ट पोजिशन में सिंगल टाइम मूव हो जाएंगे, सो डेटा विल बी लाइक दिस। ओके, डेटा विल बी लाइक दिस। I hope that is clear to everyone. Okay, now agar main 2 times shift karu, so my data will be like this one. One minute. Okay, in short, dono one, do baar, is data ko aapko check karna hai. Okay, dono one ko left direction mein 2 times aap shift kar dijiye. 2 times aap shift kar dijiye. Okay, so this is the data. Okay, so let me clear this fastly. ओके, ये क्या डेटा मुझे मिलने वाला है, तो अगर मैं 3 टाइम्स शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सो 3 टाइम्स शिफ्ट के लिए मुझे ऐसा कुछ डेटा मिलने वाला है। ओके, 3 टाइम्स शिफ्ट के लिए मुझे ऐसा कुछ डेटा मिलने वाला है, 1 मिनट। 4 टाइम्स शिफ्ट के लिए मुझे क्या मिलेगा, सो 1010 हियर इट इज। 5 टाइम्स शिफ्ट के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, अगर मैं 6 टाइम शिफ्ट करूं तो, ओके यू गाइस कैन स्किप दिस, मुझे तो ये लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, आप इसको स्किप कर सकते हो, वीडियो इसको थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो यहां से। ओके, सो लेट मी शिफ्ट दिस वंस। ओके, फाइन। नाउ देखो, जब 13 टाइम शिफ्ट करेंगे तो ये जो लेफ्ट मोस्ट 1 है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, सो योर डेटा विल बी लाइक दिस, मतलब आपके पास सिंगल 1 बचा। ओके, आपके पास सिंगल 1 बचा। अब जब 15 टाइम शिफ्ट करोगे, सो 14 टाइम शिफ्ट करोगे, सो योर डेटा विल बी लाइक दिस। जब 15 टाइम शिफ्ट करोगे, सो यू विल हैव नो वंस इन दैट, यू विल हैव ऑल जीरोस। ओके, आपके पास सब जीरो हो जाएंगे। सो इन शॉर्ट, दिस इज द शिफ्टिंग। ओके, दिस इज द शिफ्टिंग। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। आप देख सकते हो 1 हर एक टाइम एक एक बार शिफ्ट होते जा रहा है। ओके, लेट मी रिमूव द स्पेस सो इट विल बी मोर क्लियर। सो आई होप दैट इज क्लियर। एक बार 1 लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे पहुंच गया, वहां से अगर 1 सेकंड आप शिफ्ट करोगे तो बाहर निकल जाएगा। दैट्स इट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन? सो आवर क्वेश्चन वाज, ये करने के बाद ओके 1 एंड 15 टाइम्स लेफ्ट डायरेक्शन में, तो 1 का 15 टाइम्स शिफ्टिंग अगर करते हैं तो डेटा क्या मिलने वाला था? सो यू गाइस राइट नाउ फेमिलियर विद दिस वन। ओके, ये अब आपको पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे साथ में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे इसके ऊपर एंड ऑपरेशन करना है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो एक बार साथ में लिख देते हैं। ओके, दैट्स दैट। नाउ लेट मी अप्लाई द एंड ऑपरेशन। सो एंड ऑपरेशन के लिए आपके पास ये पहला इनपुट है, दिस इज योर सेकेंड इनपुट। ओके, तो एक बार मैं आपको इसको नॉर्मली समझा देता हूं कि एंड ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा। ओके, सो दिस इज माय इनपुट 1, दिस इज माय इनपुट 2, and okay, now let me just remove the space over here, and I want to apply the AND over this. मुझे इन दोनों के बीच में AND apply करना। So what is the expected answer? AND का working क्या था? AND का working हमने थोड़ी देर पहले ही समझा। AND का working क्या था? दोनों input अगर 0 तो output 0. Sorry, दोनों input अगर 1 तो output 1. Otherwise it will be 0. Otherwise it will be 0. तो आप देखते जाइए, right hand side से 0 0 output is 0,
वन जीरो जीरो इंश्योर, देखिए ना ऊपर में जहां पे वन है सेकेंड इनपुट में उस पोजिशन पे जीरो है, स्पेशली इन दो पोजिशन पे. ओके, अब जब सेकेंड इनपुट में जब वन था तो फर्स्ट इनपुट में जीरो, सो इंश्योर आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, यू विल गेट ऑल द जीरोस. आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, यू विल गेट ऑल द जीरोस. ओके, सो एंड ऑपरेशन के बाद हमको आंसर मिला ऑल जीरोस. सो फर्स्टली मैं इस जीरोस वाली लाइन को हर एक में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, देन हम लोग चेक करेंगे कि और कहीं पे कुछ डेटा मिल रहा है क्या. सो दैट्स दैट. सो आपको यहाँ पे ये वाली चीज में तो सिर्फ यही देखना है, वन कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ लेफ्ट मोस्ट पे. तो जब आपके फर्स्ट इनपुट में लेफ्ट मोस्ट पे वन आएगा तभी आउटपुट में वन आएगा, बाकी सब जगह जीरो आने वाला है. तो लेफ्ट मोस्ट में वन यहाँ पे आ रहा है, देखो ट्वेल्थ नंबर की लाइन पे. सो ट्वेल्थ नंबर की लाइन पे आपको लेफ्ट मोस्ट पे वन मिलेगा, फोर्टीन नंबर की लाइन पे आपको लेफ्ट मोस्ट पे वन मिलेगा. सो ये दो ही ऐसी पोजिशन है जहां पे आपको नॉन जीरो वैल्यूज मिलेगा. जब आप इसका बाइनरी निकालने जाओगे, जब इसका डेसिमल निकालने जाओगे, लेट मी कॉपी. ओके, और कैलसी में चलते हैं, बाइनरी में हम लोग वन एंड ऑल जीरोस दे देते हैं. सो देखिए ना इसका बाइनरी मुझे क्या मिल रहा है, सॉरी ये मेरा बाइनरी था, इसका डेसिमल मुझे क्या मिल रहा है. द डेसिमल इज 32768. द डेसिमल इज 32768. आई नो दैट इज द आउट ऑफ रेंज, ये रेंज से बाहर है, तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा -32768. बट दिस डजंट मैटर, मतलब ये सभी जगह पे अगर मैं इसका डेसिमल वैल्यू कंसिडर करूं, सो इनका डेसिमल वैल्यू मुझे यहां मिलेगा 0 0 0 0. ओके, एंड कोई एक जगह पे नॉन जीरो मिलने वाला, सो हियर आई विल गेट नॉन जीरो, हियर आई विल गेट नॉन जीरो, हियर आल्सो जीरो. सो इन शॉर्ट ये इतना लंबा प्रोसीजर करने के बाद हमको सिर्फ ये दो पोजीशन पे नॉन जीरो मिले, बाकी सब जगह पे हमको जीरो मिले. नाउ लेट मी वंस अगेन मूव टू द क्वेश्चन. सो हम लोगों ने सिर्फ ये राउंड ब्रैकेट वाला पोर्शन समझा. नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन. So that guys, that question mark and colon, that is actually conditional operator. That is conditional operator. Now how the conditional operator works? So एक बार recall करिए अपने C language का knowledge. Conditional operator में कुछ ऐसा था, statement one, question mark statement two, colon statement three. So statement one की जगह पे generally हम condition लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग true statement लिखते हैं, here we just write down a false statement. And how it works, ये कैसे work करेगा कि अगर आपका condition true है, second statement will work, sorry, here there is a question mark. Okay, and अगर आपका condition false है, then statement number three will work. But now in C language, non-zero means true. And that means true, and zero means false. Non-zero means true, zero means false. ओके, सो अगर आपने ऐसा लिखा 10 क्वेश्चन मार्क प्रिंटेफ, आप इसको ट्राई कर सकते हो सी लैंग्वेज में, हेलो कॉलन प्रिंटेफ बाय, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, इसका आउटपुट आपको मिलेगा हेलो. व्हाई हेलो, बिकॉज यहाँ पे पहले क्वेश्चन लाइक पहले स्टेटमेंट की जगह मैंने 10 लिखा था, 10 मीन्स इट इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स इट्स ट्रू. ओके, और अगर मैंने यहाँ जीरो लिखा होता तो आपको मिलता आउटपुट में बाय. अगर हमने वहां पे -55 लिखा होता, दैट इज नॉन जीरो, आपको मिलता हेलो. सो इन शॉर्ट दैट इज द वर्किंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, कि अगर आपको स्टेटमेंट वन क्वेश्चन मार्क से जो पहले कुछ भी लिखा उसकी जगह अगर आपको नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, इट विल एग्जीक्यूट सेकेंड स्टेटमेंट. सो लेट मी मूव टू द क्वेश्चन. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट मेरा वन है, थर्ड स्टेटमेंट मेरा जीरो. सेकेंड स्टेटमेंट इज वन, थर्ड स्टेटमेंट इज जीरो. ओके, पहले स्टेटमेंट में बहुत बड़ा इक्वेशन था, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ओके, एंड उसका आउटपुट डेसिमल में हम लोग को मिला था, डेसिमल में हम लोग को वहां पे मिला था लाइक जीरो और नॉन जीरो, तो यही तो चाहिए था. सो जब जीरो मिला, दैट मींस वी विल से इट इज फॉल्स, मींस उसका आउटपुट आपको कंसीडर करना है जीरो, बिकॉज द थर्ड स्टेटमेंट ही समझ में आएगा. सो हियर वी हैव जीरो 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 जीरो. ओके, हियर देयर इज अ नॉन जीरो, सो हियर यू हैव टू कंसीडर वन एज एन आउटपुट. Here there is a zero. Here once again not zero, so you need to consider one. So in short, only two position returns one. Remaining are the zeros. Remaining are the zeros. Okay, so your data will be like zero. Okay, so this will be the output. ये आपको output मिलने वाला है. So इसको मैं एक बार properly लिख दूँ तो ऐसा कुछ output है.
ओके ऐसा कुछ आउटपुट है. ओके 0000 देन वंस अगेन 4 times 0 वंस अगेन 4 times 0 देन 1010. सो ये सब आउटपुट हमने प्रिंट एफ में डाला. सो प्रिंट एफ विल डिस्प्ले दिस डेटा. ओके प्रिंट एफ विल डिस्प्ले दिस डेटा, दिस विल बी द आउटपुट. ओके हमारा इनपुट क्या था, नंबर का वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया था? सर हमने कंसिडर किया था 10. 10 का बाइनरी क्या होता है भाई? बाइनरी ऑफ 10 क्या होता है? बाइनरी ऑफ 10 इज 1010, और इवन यू कैन राइट डाउन ऑल जीरोस देन 1010. ओके एंड हमको आउटपुट क्या मिला? ऑल जीरोस देन 1010, दैट मींस द बाइनरी ऑफ 10. ओके सो हियर द आउटपुट ऑफ दिस लाइन इज प्रिंट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ नंबर. लेट आई रन दिस सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू गाइस. सो अवर क्वेश्चन इज वी हैव unsigned integer num, we have integer I, here we have a loop from, okay, now scanf percentage u, and why percentage u, because हम लोगों ने कहाँ से start किया, sorry, हमारा numeric value क्या है, number का data type क्या है, it is an unsigned integer. Unsigned means, for unsigned, you need to use percentage u as a specifier. So now what is the question? Question is num bitwise if left I and 1 bitwise if left and 15 and then question mark 1 colon 0. Then I save this as a 13.c. Now let me run this. So let me input 10. So output is all zeros then 1010. Let me input 15. So 15 ka binary hota hai last 4 ones. Okay, so 0000 and so that's that, guys. That is the thing. Okay, so I hope you guys actually enjoying this MCQ series questions. Okay, कुछ भी doubt हो तो आप once again मैं repeat कर रहा हूँ, आप YouTube comment section में लिख सकते हो, Insta पे हम लोग को ping कर सकते हो, guys follow करिए YouTube पे, Insta पे, and ये questions अपने friend circle के साथ भी share करिए. Okay, enjoy, take care.